अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, हमने शक्ल 8.1 में देखा भारत की कौमी पैदावार ब्राजील की बनिस्बत ज्यादा है। ब्राजील में कान कनी जैसे मुख्तलिफ किस्म की कानें, लोहे की कान, कोयले की कान, सोने की कानें और ज़राअत यानी खेती बाड़ी और मसनूआत साजी यानी मशीनें, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें बनाना, ये इस शोबों में जो ब्राजील है बहुत आगे है। ब्राजील में खिदमती पेशे भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे खिदमती पेशे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, होटल मैनेजर, बावर्ची, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हजाम वगैरह, बड़े पैमाने पर ये शोबे वहां पर पाए जाते हैं। अगरचे भारत में भी खिदमती पेशे में इजाफा हुआ है, लेकिन भारत का जो अहम पेशा है वो खेती बाड़ी है। भारत की तरह ब्राजील की मैशत भी मखलूत है, यानी यहाँ पे जो शोबे होते हैं, जो कारखाने होते हैं, तो वो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, यानी खानगी भी है और अवामी भी है। दोनों ही ममालिक मईशत तरक्की पजीर, दोनों की जो मईशत है वो अभी तरक्की कर रही है, यानी तरक्की पजीर है। इन दोनों ममालिक की जो फीकस आमदनी है, यहाँ रहने वालों की जो लोगों की जो इनकम है, उजरत है, अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। और इसी के साथ भारत की कौमी आमदनी ब्राजील से ज्यादा होने के बावजूद भी जो उसकी फीकस आमदनी है, यहाँ के भारत के लोगों की जो फीकस आमदनी है, जो उनको उजरत मिलती है, जो उनको इनकम मिलती है, वो ब्राजील के लोगों से काफी कम है। इस जदोल का जब आप मुताला करेंगे तो भारत के लोगों की जो इनकम है, आमदनी है, वो ब्राजील और अमेरिका दोनों मुल्कों से कम है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिसमें एक अहम मसला जो है भारत की आबादी है, क्योंकि भारत के लिए जो उसकी आबादी है एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बरक्स अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसी के साथ वहां की जो आबादी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों की जो फीकस आमदनी वो ज्यादा है, इसलिए वो भारत और ब्राजील की फीकस आमदनी के मामले में काफी आगे है। इस तरह ब्राजील की कौमी पैदावार भारत से कम है, लेकिन वहां के जो लोगों की, शहरियों की फीकस आमदनी है वो भारत से ज्यादा है, क्योंकि भारत के लिए उसकी जो आबादी है वो एक बहुत बड़ा मसला है।